हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही आसान तरीके से, जिसे बैंगन नहीं भी बनाने आते होंगे अगर मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी बहुत इजीली बना लेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलो फिर बनाते हैं। ये मैंने दो बैंगन लिए हैं मोटे वाले, इन्हें मैं काट लेती हूँ। मैंने इन्हें अच्छे से धुल लिया था। बैंगन जब भी लें एकदम से शाइनिंग वाले लें और मोटे वाले ही लें, क्योंकि मोटे बैंगन जो होते हैं चिकने होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। मैंने सभी बैंगन को काट लिया है। ये मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, इन्हें मैंने अच्छे से छील लिया है और धुल लिया है। अब मैं इन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। आप चाहें तो लंबे साइज़ में काट लें, मैं इन्हें चौकोर साइज़ में काट रही हूँ। मैंने आलू को भी काट करके तैयार कर लिया है। ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, इन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैं इसमें सरसों तेल डाल रही हूँ गर्म करने के बाद, जीरा, लहसुन बारीक कटा हुआ, कड़ी पत्ता और प्याज को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसे मैं कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। हमें प्याज का कलर डार्क नहीं करना है ज़्यादा, नहीं तो बैंगन अच्छे नहीं लगेंगे। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेती हूँ, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और 2 लौंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। टमाटर में मसाले डालने से क्या होता है, मसाले भी अच्छे से भुन जाते हैं। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें आलू डालकर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आलू मिक्स करने के बाद बैंगन को भी मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं 2 कप के आसपास और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ग्रेवी वाले बैंगन बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा रख लें। मुझे सूखे बैंगन बनाने थे इसलिए मैंने कम ही पानी डाला है। बैंगन बन करके तैयार हैं। ये बस 7 से 8 मिनट में ही कुक हो जाते हैं। बस कवर करके रख दें और 7 से 8 मिनट तक कुक कर लें। बैंगन बिल्कुल तैयार है बन करके। बस इसमें मैं हरा धनिया पत्ता डाल लेती हूँ। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और चावल के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।